भैया मेरी 60 साल की उम्र है बेटा, अब मैं खुद बीमार रहती हूँ, इतनी दवाइयाँ मेरे पास है, अब कैसे मेरा गुजारा होगा बताओ। कर्जे ले लेके आज आपसे मांग लिए, कल उससे मांग लिए, जितने भी मित्र है, रिश्तेदार है, जान पहचान वाले लोग है, उससे मांग के खाते। लोन देती है दुकान लगाने के लिए, जब सामान ही हमारा उजाड़ दिया, दुकान उजाड़ दी, तब वो लोन कहाँ से क्लियर करे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के बाहर, जहां पर दिल्ली में रेड़ी पटरी लगाने वाले लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि G20 के नाम पर बड़े पैमाने पर दिल्ली में रेड़ी पटरी को हटाया जा रहा है, जिससे शहर साफ सुथरे दिखे। लेकिन ये प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है और इनकी यूनियन का कहना है, जो अगर किस कीमत पर शहरों को साफ सुथरा दिखाने के मकसद सरकार दिखा रही है, क्योंकि ये लोग कई सालों से, कई दशकों से रेड़ी पटरी लगा रहे हैं, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इनको हटाना गैर अमानवीय और गैरकानूनी भी है, इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इन्होंने आज नगर निगम मुख्यालय के बाहर एक प्रदर्शन आयोजित किया है और मेयर को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिससे ये अपनी मांग मेयर के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो उनके हक में कोई निर्णय ले। सुनिए यूनियन नेताओं ने क्या कहा है और यहाँ आए रेड़ी पटरी लगाने वाले लोगों की क्या समस्याएँ। वहाँ G20 सम्मेलन के नाम पर DSP खुद गया था और सबको हटवा दिया, फिर अभी भी जो MCD और पुलिस को पैसे देता है वो अभी भी लगा रहा है और खूब चौड़े में लगा रहा है, जो और किसी को नहीं लगाने दे रहा। हम चद्दर पे भी लगा रहे थे 10 किताब, इंग्लिश नोवेल लगाते हैं, मोबाइल कवर लगाते हैं, तो 10 किताब भी नहीं लगाने दे रहे, कह रहा मेरे नौकरी पे खतरा। और आज की तारीख में भी 2-3 ठेहा खूब लगा रहे, खूब लंबे चौड़े, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। आए दिन MCD वाले आ जाते हैं, एक के साथ सबको उजाड़ देते हैं। अब जब सामान भर के ले जाते हैं, सामान भरेंगे नहीं तो उसको फैला देंगे, तो रोड पे बैठ के जो सामान बेच रहे, किनारे बेच रहे, उसको भी नहीं बचते। वो लोग लाते हैं वो क्रेन और उससे सारा भर लेते हैं, तो रेडी जो नीचे हम लोग अब बैठे लगा के, जवान रेडी पे होगा तो लेके रेडी भाग जाएगा। हम लोग नीचे ज़मीन में लगाएंगे, कौन कौन सी सब्जी लेके जाएंगे, उसको नहीं उठा सकते। हम ज़्यादा करते हैं कि अपना कांटा उठा के एक साइड में कर लेते हैं, और क्या करें। तब अब वो सब्जी को हम छुड़वाने जाएँ तो अगले दिन तो खराब होती है, उसको छुड़वाने जाओ तो उसका चार्ज 200 रुपये रोज का लगता है। सब्जियों का खाली उसे लेने जाओ तो 200 रुपये रोज का वहाँ का चार्ज लेते हैं, फिर इतना किराया लगेगा, वहाँ से किस मिलाएंगे। और अगले दिन वो सब्जी हमारे किसी काम की नहीं होती, ना बिकने में आती ना कुछ, तो हमारी 5-7 हज़ार की सब्जी होती है, सारी वेस्ट कर देते हैं। ये G20 तो सिर्फ एक बहाना है, जिस तरह इन्होंने इंदौर में करा है स्वच्छ शहर बनाने के लिए, वहाँ पर एक भी रेड़ी पटरी इन्होंने नहीं छोड़ी स्वच्छ शहर बनाने के नाम पर। अब एक बात देखिए, आप अपना कैमरा इस तरफ कीजिए, इन लोगों को क्या करोड़पति अरबोपति बनना है, क्या बनना है इनको, ये करोड़पति अरबोपति बनना चाहते हैं ये लोग। नेताओं के बच्चे अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं और वो करोड़पति अरबोपति बच्चे हैं उनके, ये लोग क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक दिन में 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। और आजकल तो नया धंधा चल गया है, अगर कोई आदमी नया आदमी रेडी लगाने लग गया है तो पुलिस को 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, उसे 50-50 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। करोड़ों रुपये का पुलिस का MCD का गल्ला है, रेड़ी पटरी का पूरी दिल्ली से करोड़ों रुपये का, एक साइड से ही 2-2 करोड़ रुपया मिलता है, एक एक साइड से। MCD नहीं आएगी तो दिल्ली सरकार पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले का जो कि कोई रोल ही नहीं है, फिर भी आ जाते हैं, किसी की सब्जी उठा लेते हैं, किसी की सब्जी फ्री, मान लो 100 रुपये की किसी दुकान से सब्जी ले ली, उसने पैसा नहीं दिया तो उस दुकानदार का 100 रुपये कमाई का गया, होता हमारे यहाँ तो। रोजगार ये देंगे नहीं, खुद का काम ये करने नहीं देंगे लोगों को। अब आप ये देखिए, पिछले 2 महीनों से रेडी नहीं लग रही है, क्या कभी सोचा है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे, ये रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे। किसी को कभी कोई सोचना ही नहीं चाहता इस तरफ, ये तो सिर्फ एक बहाना है G20 के नाम पे, कभी 26 जनवरी पे हटवा देते हैं 1.5-2 महीने के लिए, कभी 15 अगस्त के नाम पे हटवा देते, कभी G20, कभी कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे जो पट्टी हटी थी क्या वो आज तक लग गई है, वो सारी हटी पड़ी है। हमारा जहाँ जगह है वहाँ लगाने दो, नहीं तो घसका के कहीं और दो, या बच्चे का नौकरी दो, यही दो, जब नई पटरी लगाने दो तो नौकरी दो भाई। जब से ये संविधान लागू हुआ है 2014 में, पद विक्रेता आजीविका संरक्षण पद विक्रय विनियमन अधिनियम 2014, इसके पास हो जाने के बाद भी लगातार हमला तो है,
अब इधर क्या है, G20 के नाम से रेड़ी पटरी वालों को एकदम हटाया जा रहा है। सवाल ये है कि एक संवैधानिक अधिकार है, संविधान में है, और एक संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान को कुचल रहा है। ठीक है, G20 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, 20 देशों के प्रतिनिधि के चक्कर में पूरे दिल्ली के रेड़ी पटरी साफ किए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इनका रोज खाना रोज कमाना जुड़ा हुआ है, इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा तो है नहीं, इनको कोई इंश्योरेंस तो है नहीं, इनको कोई मंथली इनकम तो है नहीं, या कोई बीमा तो है नहीं, कुछ नहीं है इनका। अब सवाल ये क्या करेंगे, रोज खाना रोज कमाना। तो केंद्र सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि भाई इनको उजाड़ने के पहले जो हम 2 महीने से हटा रहे हैं, तो 20,000 रुपये महीने का मुआवजा तो दे दें 2 महीने के लिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो उनको लगने दें। ठीक है ना, पेंसिल करवाने गए तो कह रहे केजरीवाल ने बंद करिए 2-3 साल से, अब वो भी नहीं हो रहा, मेरा बुढ़ा की नहीं हो रही, मेरा आदमी की नहीं हो रही, ना मेरी हो रही है। चलो पेंसिल आए तो कोई कुछ मदद हो जाए, किराए पे रहते हैं, अपना घर है नहीं, बड़ी समस्या है, तो पेंसिल तो चालू करवाओ। समस्या कुछ नहीं है, समस्या प्रशासन की तरफ से पैदा की गई है। किसी भी शहर में रेड़ी पटरी होना एक आम बात है, और रेड़ी पटरी वाला जो है एंक्रोचमेंट अतिक्रमणकारी नहीं है, वो सिर्फ सुबह आएगा अपना सामान रखेगा, बेच के शाम को अपने घर चले जाएगा। और जो 2014 का पथ विक्रेता कानून है वो इनको संरक्षण देता है कि ये लोग कैसे बैठेंगे, कैसे अपना काम करेंगे, और कैसा संविधान के हिसाब से इनका रोजगार करने का इनका एक अधिकार है, संविधान प्रदत्त ये अधिकार है कि ये लोग रोजगार करेंगे, फुटपाथ पर बैठ कर ही अपना रोजगार कर सकते हैं। और कानून और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान्यता दी है कि ये किसी भी समाज का अभिन्न अंग है जो कि अपना काम करेगा फुटपाथ पर बैठ कर।